सोनी ने शार्क टैंक इंडिया से दोगलापन ही खत्म कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एशनील ग्रोवर की। एशनील ग्रोवर, जिन्होंने माँ बहन की गाली दी और जान से मारने की धमकी दी एक कोटक के एम्प्लॉई को, और बाद में पकड़े गए घोटाला करते हुए अपनी ही कंपनी में अपनी बीवी के साथ और बीवी के पूरे खानदान के साथ। अब सोनी ने डिसाइड किया कि वो और ज़्यादा अपनी बेइज्जती नहीं करेगा और शार्क टैंक में एशनील ग्रोवर को नहीं लेगा सीजन 2 में। भले ही शार्क टैंक इंडिया का सीज़न 1 एशनील ग्रोवर की वजह से कुछ हद तक पॉपुलर हुआ था, उनके जो डायलॉग्स थे फेमस हुए थे और उनके डायलॉग्स कुछ हद तक सीज़न 1 को आगे बढ़ा रहे थे, पॉपुलर बना रहे थे इंडिया में, लेकिन सोनी ने डिसाइड किया है भाई दोगलेपन की हद होती है और अब इनको नहीं लेना है। अब ये सीज़न 2 का प्रोमो लॉन्च किया है सोनी ने, और उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ पुराने जजेस हैं, लेकिन एशनील ग्रोवर को लात मार के बाहर कर दिया गया है।